जयपुर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी है, जिसे लोग पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी भी कहते हैं। फ्रेंड, यह शहर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरल संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो तीनों ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। फ्रेंड, इस शहर का निर्माण कछवाहा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में किया था, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फ्रेंड, जयपुर केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा और सबसे बढ़कर यहाँ के मिलनसार लोग हैं, जो यहाँ आने वाले सभी सैलानियों का भरपूर स्वागत करते हैं। यहाँ हर साल कई मेले और त्योहार भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एलिफेंटा उत्सव काफी चर्चित है, जो हिंदुओं का एक मुख्य त्योहार है। इसका आयोजन हर साल होली के अवसर पर किया जाता है। अगर आप चाहे तो इसमें भाग भी ले सकते हैं। फ्रेंड, यह शहर अपनी अद्भुत सुंदरता और यहाँ के ऐतिहासिक महलों, झीलों और किलों के कारण जयपुर पर्यटकों को खूब भाता है। इसलिए यहाँ देश विदेश से हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ की संस्कृति और परंपरा को देखने रोज आते हैं। फ्रेंड, ये तो आप सभी को पता है कि जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, लेकिन यह शहर प्रारंभ से ही गुलाबी नगर नहीं था, बल्कि अन्य सामान्य नगरों की ही तरह था। लेकिन 1876 में जब वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट एडवर्ड के भारत आने की खुशी में उनके भव्य स्वागत के लिए महाराजा राम सिंह द्वितीय ने पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया, तब से ये शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। दोस्तों, जयपुर भारतीय संस्कृति की आत्मा कहलाता है, जो कि किसी जन्नत से कम नहीं है। यह जगह बहुत ही रोमांटिक और सुरम्य है, जो अपने सुंदर स्थानों और गंतव्य शादियों के लिए प्रसिद्ध है, जो शाही महलों, हवेलियों, संग्रहालयों और प्राचीन विशाल मंदिरों, बगीचों, आंगनों के साथ इसका एक हिस्सा अभी भी शाही निवास से सुसज्जित है। पुराने और आधुनिक शान स्वागत और मेहमान नवाज का मेल जयपुर आज राजस्थान पर्यटन का धड़कता हुआ दिल माना जाता है। फ्रेंड, जयपुर को आधुनिक शहरी योजनाकारों द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है। देश के सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकारों में इस शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य का नाम सम्मान से लिया जाता है। दोस्तों, महानगर बनने की ओर अग्रसर जयपुर में स्वतंत्रता के बाद कई महत्वाकांक्षी निर्माण हुए, जिससे जयपुर की रंगत अब बदल रही है। हाल ही में जयपुर को विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया है। ये भारत देश के लिए एक गर्व की बात है। दोस्तों, जयपुर की चमचमाती सड़कें, बहुमंजिला शॉपिंग मॉल, आधुनिकता को छूती आवासीय कॉलोनिया आदि महानगरों की होड़ करती दिखती है, जिसमें एशिया की सबसे बड़ी आवासीय बस्ती मानसरोवर, राज्य का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, विधानसभा भवन, अमर जवान ज्योति, एमआई रोड, सेंट्रल पार्क और विश्व के प्रसिद्ध बैंक इसी कड़ी में शामिल हैं। दोस्तों, पुराने जयपुर और नए जयपुर में नई और पुरानी संस्कृति के दर्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन जयपुर कितना भी बदले पर इसके व्यंजनों का जायका मदस्तूर कायम है। जयपुर के व्यंजन में प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा, घेवर, प्याज कचौड़ी, केर सांगरिया की सब्जी, मालपुआ इत्यादि शामिल है। जयपुर के रौनक भरे बाजारों में दुकानें रंग बिरंगे सामानों से भरी हैं, जिनमें हथकरघा उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, हस्तकला से युक्त वनस्पति रंगों से बने वस्त्र, राजस्थानी चित्रकला के नमूने, नागरा मुजरी जूतियाँ, सफेद संगमरमर की मूर्तियाँ आदि शामिल है। दोस्तों, जयपुर शहर का कुल क्षेत्र 11,117 वर्ग किलोमीटर है और ये देश का 10वां सबसे बड़ा शहर भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर की जनसंख्या 66 लाख के लगभग है। दोस्तों, इस शहर में बहुत से पर्यटन आकर्षण जो लोगों को काफी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर, बीएन बिड़ला तारामंडल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग आदि है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।